गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए तो हम लोग भूगोल में भारत की मिट्टियाँ की शुरुआत कर चुके थे और आपको मैंने बताया था मैप के थ्रू, मैंने आपको बताया था ये आपके भारत का मैप है और आपकी मिट्टियाँ ये पर्वतीय मिट्टी, ये बड़ा वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये जलोढ़ मिट्टी, ये मरुस्थलीय मिट्टी, ये दलदली मिट्टी, उसके बाद इधर ये लाल मिट्टी, ये काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। और हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में या काली मिट्टी के बारे में। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, मैं राजीव मिश्रा आपका दोस्त आपका भाई आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी मिट्टी का पोर्शन और जिसका नाम रहेगा हमारे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, काली अब सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट ये है क्या करें, पहले आप लोगों को सारी चीजें बता दें फिर लिखें या साथ में लिखते जाएं और बताते जाएं। वैसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही रहेगा कि एक एक पॉइंट में लिखता जाऊं और एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊं। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? ज्वालामुखी का क्रिया के कारण। इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। अभी तक जिन्होंने शेयर ना किया वो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। भाई बंधुओं, आप लोग लाइक और शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं, सभी लोग एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए। तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। सबसे पहले वेल्कोनिज्म, उसके बाद बेसाल्ट चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टान, इस बेसाल्ट चट्टान से निर्माण होता है किसका? काली मिट्टी का। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया हुई, उसके बाद बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद काली मिट्टी बनी। ठीक, वेल्कोनिज्म हुआ पहले, वेल्कोनिज्म, फिर बेसाल्ट चट्टान, फिर उसमें जब इरोजन हुआ, अपक्षय और अपरदन हुआ बेसाल्ट चट्टान में, तब हमारी मिट्टी का निर्माण हुआ। और उस मिट्टी का निर्माण था, उस मिट्टी का नाम था काली मिट्टी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर पूरे भारत में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं है और आप कह रहे हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। तो याद करिए ज्योग्राफी का सबसे पहला दिन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है? पहले तो ऐसे करके गोला बनाया था, फिर आपको बताया था कि एक महाद्वीप है जिस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या नाम है महाद्वीप का? अफ्रीका। इसी से टूटकर भारत का निर्माण हुआ, दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है। तो अफ्रीका में आज भी एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर, जहां पर ज्वालामुखी है। यही कारण है भारत के इस क्षेत्र में जब ये विषुवत रेखा से पार कर रहा होगा भारत,
तो यहाँ पर कहीं ज्वालामुखी रही होगी, तो ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ उसके जो कण है वो कहाँ गिरे, भारत के किस क्षेत्र पे गिरे, ठीक है। तो इस वजह से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ। अब कोई समस्या यहाँ तक, आप किसी को कोई समस्या, अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ दे कि भाई भारत में तो काली मिट्टी, भारत में तो ज्वालामुखी है ही नहीं, तो फिर काली मिट्टी कहाँ से आई, तब आपका जवाब क्या होगा कि भारत में जो काली मिट्टी आई वो कहाँ से आई, अफ्रीका से। जब हमारा भारत अलग हुआ था तब वहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, इस वजह से हमारे यहाँ मिट्टी पहुंची। तो वेल्कनिज्म होता है, उसके बाद बेसाल्ट चट्टान बनती है और उससे फिर हमारा ये बनता है क्या, काली मिट्टी। चलिए इसका रंग काला किसके कारण होता है, जरा कोई कमेंट करके बताए। इसका रंग जो काला होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका रंग जो काला होता है याद रखिएगा, मैग्नेटाइट चिटैनी फेरस की वजह से इसका रंग काला मैग्नेटाइट टिटैनी फेरस के कारण होता है। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो इसके कारण होता है, मैग्नेटाइट टिटैनी फेरस के कारण होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी मिट्टी कहते हैं, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि ये मिट्टी स्वयं अपने आप जोती गई है, देख लें एक बार, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, जी हाँ, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि ये मिट्टी स्वयं जोती हुई है, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अब इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक क्यों होती है, क्योंकि इस मिट्टी में पोर्स, या हिंदी में कहा जाए रंध, ज्यादा पाए जाते हैं। इस मिट्टी में जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है और ये आपके छोटे छोटे पोर्स हैं, कैपिलरीज। तो अब ये पोर्स क्या करेंगे, पानी को जब ज्यादा सोखेंगे तो इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक हो जाएगी, ठीक है। सूखने के बाद ये मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है, कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है और बड़ी बड़ी खापें पड़ जाती हैं इसमें,
तो देखने में ऐसा लगता है कि ये मिट्टी अपने आप जुताई हो चुकी है। इस मिट्टी की क्या हो जाती है? जुताई हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा खेत में पटा जब चल जाए, पटेला जब चला दिया जाता है तो खेत एकदम लेवल हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद उसमें छोटी छोटी ऐसे करके, जैसे मान लीजिए खेत है तो उसमें जगह 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 खांपे पड़ जाती हैं, जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं, तो देखने में लगता है कि खेत जुता पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। जो काली मिट्टी होती है हमारी, वो कपास के लिए सर्वोत्तम होती है। इसीलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा, इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। क्या नाम है? रेगुर मृदा। इस मिट्टी को एमपी में रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से इस मिट्टी को जाना जाता है। और कहां पर? तो एमपी में इस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब इसका राज्य लिख लीजिए आप, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? यह मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, परंतु ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। देखिए, इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कपास, परंतु सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक भूभाग कहां पाया जाता है? तो इस मिट्टी का सर्वाधिक भूभाग भैया हमारे महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन ये मिट्टी में जो होने वाली फसल है कपास, ये कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा?
तो गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। ये मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलती है, लेकिन कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो ये है आपकी मिट्टी। अच्छा, क्या इसमें कपास के बाद कोई और फसलें हो सकती हैं? तो जी हाँ, कपास के बाद, कपासी मिट्टी के साथ इसमें कुछ मात्रा में कपास तो है ही, धान, गन्ना, चारागाही जानते हैं किसे बोला जाता है? बरसीम वगैरह जो होती है, बरसीम वगैरह जो होती है हरे कलर की, जो भैंस को खिलाई जाती है। बरसीम वगैरह वो चारागाही में आती है। तो कपास हो जाएगा, धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, और कुछ फसल में चारागाही हो जाएगी, सब्जी वगैरह भी कुछ मात्रा में हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम है, तो यहाँ पर धान, गन्ना, गेहूं बिल्कुल भी नहीं होगा। देखने को पता चले आप महाराष्ट्र जाओ और किसी के खेत में आप गेहूं देख लो या धान देख लो, कहो अच्छा गुरु जी तो बता रहे थे कि कपास ही होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, इस मिट्टी के लिए कपास यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाई जा सकती है, सबसे अच्छा प्रतिशत दे सकता है। जैसे आपको पता है जलोढ़ मिट्टी में जो एक भाग है खादर, कौन सा भाग है? खादर। तो खादर वाली मिट्टी में धान और गन्ना सर्वाधिक होता है। अब पता चले खादर मिट्टी वाले क्षेत्र में आप कभी जाओ, आप सरसों देख लो, सूरजमुखी की खेती देख लो, गेहूं की खेती देख लो, और कई सारी खेती देख लो, तो आप कहो गुरु जी आपने तो बताया था कि धान और गन्ना होता है केवल। तो ऐसा नहीं है, ये प्रमुख फसलें बताई जाती हैं इसमें, जो इस मिट्टी की प्रमुख फसलें होती है, मतलब उत्पादकता जिस फसल की सबसे ज्यादा होती है मिट्टी में, वो फसलें इसमें बताई जाती हैं। और इसके अलावा भी और सारी फसलें भी हो सकती हैं, ठीक है? तो चलिए, अच्छा एक पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बचा हुआ है, ये और लिख लेते हैं और हमारी काली मिट्टी खत्म हो जाएगी। काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? पता है? ट्रॉपिकल चेरनोजम, TROPICAL, ट्रॉपिकल CHERNOJAM, ट्रॉपिकल चेरनोजम, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको ट्रॉपिकल चेरनोजम। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय नाम। जैसे विश्व में कहीं भी आपको, विश्व के किसी भी देश में आपको ये मिट्टी जब मिलेगी, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, मेरा पैर लग गया है इसमें। विश्व के किसी भी देश में जब आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, तो वहां पर इस मिट्टी का नाम क्या होगा? तो वहां पर इस मिट्टी का नाम ट्रॉपिकल चेरनोजम होगा। क्या नाम होगा? ट्रॉपिकल चेरनोजम। दिल्ली पुलिस SI में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है, तो ट्रॉपिकल चेरनोजम। चलिए, तो ये मिट्टी थी ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ब्लैक सॉइल में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले तो इसका निर्माण वेल्कोनिज्म प्रक्रिया के द्वारा होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टाने बनती हैं। क्या बनती हैं? बेसाल्ट चट्टाने। और बेसाल्ट चट्टानों का जब इरोजन होता है, यहाँ इरोजन लिख लीजिए, इरोजन मतलब क्षरण, अपक्षय और अपरदन जब होता है, तब मिट्टी बनती है हमारी, कौन सी? काली मिट्टी। तो इस मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों ने सीख ली। इसके बाद
इसका रंग काला किसके कारण होता है? तो मैग्नेटाइट टिटेनी फेरस के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्यों सर्वाधिक होती है? इस मिट्टी में पोर्स ज्यादा पाए जाते हैं, रंध्र ज्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, क्योंकि इस मिट्टी में पोर्स या रंध्र ज्यादा पाए जाते हैं। इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी को मध्य प्रदेश में रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपका गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा। आंध्रा के कुछ भागों में, पूरे आंध्रा में नहीं, आंध्रा के कुछ भागों में। ठीक, और कुछ परसेंट राजस्थान में भी है, राजस्थान का छोटा छोटा भाग। यूपी में भी कुछ कहीं जगह पर काली मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन ये सबसे बड़े बड़े भाग है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो गुजरात में होती है। कपास, धान, गन्ना, चारागाही इसमें उगाई जा सकती है। काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय नाम ट्रॉपिकल चेरनोजम है। अब देखिए, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के भैया नाम कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्या नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, इनके भाई नखरे बहुत हैं, बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी। उसके बाद स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। उसके बाद रेगुर मृदा, रेगुर मृदा। कहाँ बोला जाता है रेगुर इसको? तो एमपी में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? एमपी में। अब इसका अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? तो ट्रॉपिकल, ये ओ की मात्रा है, ये अंग की मात्रा होती है, और ये ओ की मात्रा है, जिसके ऊपर बिंदी लगे वो अंग की मात्रा, चंद्र बिंदी लगती है, और ये ओ की मात्रा है। जैसे डॉक्टर, डॉ, ये हो गया डॉ, डॉक्टर। ठीक, ये हिंदी वाले सर आपको बताएंगे सर। ट्रॉपिकल चेरनोजम, चेरनोजम, ये इतने सारे नाम भैया आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, रेगुर मृदा, और अंत में ये वाला नाम जरूर याद रखना है, जिसमें से रेगुर, रेगुर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ट्रॉपिकल चेरनोजम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, रेगुर मृदा और ट्रॉपिकल चेरनोजम। तो ये था आपका काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ना कराया गया हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे पॉइंट बता दिए गए हैं। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस, अ लॉट थिंग्स टू नो अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।